नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में बीते दिन से जिस एक खबर की खूब चर्चा हो रही है, आपको बता दें कि वो खबर है नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई। देखिए, सूत्रों के हवाले से कल से एक खबर चल रही है कि नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा देनी है, उस परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होने वाला है। आपको बता दें कि सवाल है 3.25 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों का। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सूत्रों के हवाले से कल से खबर चल रही है कि दिसंबर में नियोजित शिक्षकों को परीक्षा दे देनी होगी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। सरकार की तैयारी ये थी कि परीक्षा नवंबर में ही ले लें, लेकिन चूंकि अब बीपीएससी की परीक्षा बीच में शुरू हो रही है सेकंड फेज की, तो इसको लेके माना जा रहा है कि परीक्षा अब नवंबर लास्ट वीक, नहीं तो दिसंबर, तो दिसंबर तक परीक्षा होगी। ये क्लियर है, दिसंबर तक परीक्षा होगी। ये परीक्षा होगी अपने यहाँ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा होगी। इसमें खास बात ये है कि ये इस अपने यहाँ 4.25 लाख नियोजित शिक्षक थे, 4.25 लाख में 28,518 या 815 मान 28,000 नियोजित शिक्षक अध्यापक बन चुके हैं, राजकर्मी बन चुके हैं, और बाकी बच गए करीब 3.5 लाख शिक्षक। तो उन 3.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी और वो परीक्षा दिसंबर तक होगी। वो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा लेने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, वो इसलिए कि जिस नियमावली के तहत परीक्षा होनी है वो नियमावली पहले तो नोटिफाई हो जाए। तो अभी वो नियमावली, विशिष्ट अध्यापक नियमावली जिसका ड्राफ्ट आया था, जिस पर 1 लाख से अधिक सुझाव लिए गए थे, वो नियमावली अब आने वाली है। वो नियमावली जैसे ही आएगी तो उस नियमावली के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रस्ताव जाएगा, लेकिन सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, या कहिए कि सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय लिया जा चुका है कि यह सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह जिम्मा इसलिए दिया जा रहा है कि वह इसके पहले दक्षता पर पहले चरण दूसरे चरण में जो शिक्षक नियुक्त हुए थे 2014 के पहले, उनकी दक्षता परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही लेती रही थी, और उसके बाद 2014 से जब एसटीटी लागू हुआ तो वो परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती रही है। तो इससे इससे लग रहा है कि ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसी पैटर्न पर लेगी जिस पैटर्न पर वह दक्षता या एसटीटी ले रही थी। मतलब ये एक बड़ी बात है कि पैटर्न भी वही हो सकता है, करीब पैटर्न वही होगा। क्योंकि उस दिन आपको याद होगा कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि हम एक मामूली परीक्षा लेकर इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मामूली परीक्षा का मतलब ही हुआ कि बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा नहीं होगी, वैसा कठिन सिलेबस नहीं होगा इनका। और चूंकि परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी पैटर्न वही रहेगा, तो यही माना जा रहा है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी है सजल जी, क्योंकि लगातार हम लोग भी शिक्षक संघों से बातचीत कर रहे हैं और सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल हमने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से बातचीत की, माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी एक पत्र जारी कर दिया और साफ कहा कि आज भी अपने बात पर हम कायम हैं, हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। तो आपको लगता है कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे, क्योंकि प्रारंभिक ने भी इंकार कर दिया, माध्यमिक ने भी इंकार कर दिया? देखिए, शिक्षक संगठनों ने साफ कह दिया है कि हम परीक्षा नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि जब पहली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा हुई थी तो उसमें भी शिक्षक संगठनों ने साफ कह दिया था कि हम परीक्षा नहीं देंगे, बावजूद 60,000 शिक्षक परीक्षा में बैठे और 28,000 शिक्षक क्वालिफाई किए। तो इस बार भी अगर ये परीक्षा नहीं देने के अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं, इसके बावजूद हम मुझे लगता है कि फिर भी 2 लाख शिक्षक बैठ जाएंगे मिनिमम,
जाएंगे, बैठ जाएंगे, हाँ 2 लाख बैठ, मतलब मेजोरिटी बैठ, हाँ मेजोरिटी बैठ जाएंगे, 2 लाख शिक्षक बैठ जाएंगे और ये 2 लाख शिक्षक जो होंगे वो STT और TT वाले शिक्षक होंगे और इसमें वही शिक्षक नहीं बैठेंगे जो सेवानिवृत्ति की कगार पे हैं या जो दक्षता परीक्षा वाले प्राइमरी में हैं, तो उनके उनको थोड़ी दिक्कत होगी, वो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी शिक्षक बैठेंगे। परीक्षा नहीं देने वाले वैसे शिक्षक होंगे जो या तो सेवानिवृत्ति की कगार पे होंगे या जो पहले फेज के दक्षता परीक्षा वाले या ऐसे कहीं जो 2006-07 के नियुक्त शिक्षक हैं, 2008 के नियुक्त शिक्षक हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होगी परीक्षा देने में, लेकिन बाकी शिक्षकों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है और वो क्वालिफाई करेंगे, मेजोरिटी शिक्षक क्वालिफाई करेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे। लेकिन शिक्षक संगठनों का ये कहना कि आप हमारी परीक्षा लिए बिना हमको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, उनकी मांग वाजिब है। हाँ बिल्कुल, उनकी मांग इसलिए वाजिब है कि भाई अब और कितनी परीक्षाएं हैं, दक्षता परीक्षा, TET, STT, तो वो तो उनका कहना भी वाजिब है कि जब हम ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं तो फिर एक परीक्षा और क्यों, तो ये है, उनको लग रहा है कि ये परीक्षा नहीं हमसे ले रही है, हाँ अपमानित हो रहे हैं और हतोत्साहित महसूस हो रहे हैं, ये है। तो ये एक तरह से उनका दबाव है सरकार पर यह कह के कि आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, ये उनकी मांग है और अपनी मांग पर वो दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने उस दिन साफ कह दिया है गांधी मैदान में कि हम एक मामूली परीक्षा लेके इनको राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो चूंकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है तो लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री अपने अपनी बातों से पीछे हटेंगे। लेकिन एक ये भी बात है सज्जल जी, क्योंकि लगातार हम लोग भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो सुझाव की बात आपने भी अभी जिक्र किया कि सुझाव दिया गया है विशेष शिक्षक नियमावली को लेकर, अच्छे खासे मतलब 1 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं और ज्यादातर वो सुझाव हैं, ज्यादातर उसमें कहा गया है कि बिना परीक्षा लिए दीजिए। तो जब सुझाव लिया गया है तो क्यों नहीं सुझाव को माना जाएगा? क्या 1% भी चांस नहीं है कि इन सुझावों पर? नहीं नहीं, देखिए सुझाव केवल उसी पर तो नहीं लिया गया है ना जी, सुझाव केवल इस पर बहुत सारे सुझाव गए हैं, लेकिन ज्यादा तो मेजोरिटी, हाँ मेजोरिटी है लेकिन बहुत सारे सुझाव गए हैं। तो अगर इन सुझावों को, सुझाव मांगना हमारा काम है, सुझाव लेना सरकार का काम है, लेकिन उसमें कौन सा सुझाव उसको सूट कर रहा है ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा मानेंगे, कौन सा नहीं मानेंगे, माने किसको मानने से हमारा कानून जो है वो परफेक्ट होगा, किसको नहीं मानने से हमारा कानून परफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो नीट बनाने वाले होते हैं ना, ये उन पर डिपेंड करता है, उनके दिमाग में ये पहले से माइंडसेट होता है कि मुझे क्या करना है, हाँ, और उसमें वो ऐसे सुझाव जिससे वो माइंडसेट में कहीं ना कहीं खटक रहा होता है उसको फिट करते हैं। तो यही है, ये सुझावों की समीक्षा हो चुकी है, सुझावों का समेकन हो चुका है, इस पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उसके बाद गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का भाषण हुआ है 2 नवंबर को, तो उसके बाद से ये साफ है कि परीक्षा होगी एकदम। और एक चीज़ और आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, कि जब अगर पहली परीक्षा दिसंबर में होती है तो दूसरी परीक्षा, 3 मौके इन्हें मिलने हैं, तो दूसरी परीक्षा अप्रैल मई में होगी और अगली परीक्षा तीसरा मौका जो मिलेगा वो मान के चलिए वो परीक्षा होगी अगस्त सितंबर में। हाँ तो अगस्त सितंबर, हाँ अगस्त सितंबर में, मतलब कि तीसरी परीक्षा हो जाएगी जी। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात आप, हाँ बिल्कुल 2-3 परीक्षाएं होनी है, पहली परीक्षा दिसंबर में होगी, अगर दिसंबर वाली परीक्षा दिसंबर में हो जाती है तो दूसरी परीक्षा अगस्त अप्रैल या मई में होगी और तीसरी परीक्षा अगस्त या सितंबर में होगी, ये सितंबर में होगी। अच्छा। यही गैप रहेगा, मतलब कि तैयारियां आपको करनी शुरू कर देनी। बिल्कुल। अच्छा, ये भी है कि कल हमने जी कल हमने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से के लोगों से भी बातचीत की। देखिए साफ साफ उन्होंने कहा है कि आप परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप परीक्षा लेने की बात करें और BPSC तैयारी 2.0 भी आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नियोजित शिक्षक जो है वहां बैठ जाए तो फिर फ्रेश कैंडिडेट्स का क्या होगा?
नहीं नहीं तो ये तो दोनों दो नियमावली क्लियर कीजिए, इनकी परीक्षा अलग है, इनकी विशिष्ट नियमावली है, ये अपने पद के अगेंस्ट में परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी। ठीक है ना, ये अपने पद के लिए जो जो पद क्रिएट हुआ है या जो नई 1,20,000 बहाली होनी है उस पर ये नहीं जा रहे हैं नियोजित शिक्षक, तो वो फ्रेशर के लिए ही है और फ्रेशर के लिए ही रहेगा। तो इससे इससे इनकी परीक्षा से ना कहीं फ्रेशर डैमेज हो रहा है और ना फ्रेशर की परीक्षा से ये डैमेज हो रहे हैं। दोनों दो नियम है, दोनों के दो कैडर होंगे, दोनों के दो कैडर होंगे। इनकी परीक्षा का नाम है समकक्षता परीक्षा, ये उसके समकक्ष आ जाएंगे, तो दोनों दो कैडर, ये इनकी परीक्षा है, वो उनकी परीक्षा है, उनकी परीक्षा है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि अच्छे खासे तादाद में नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा भी दी, बीपीएससी तैयारी 1.2, और हमने देखा कि 28,000 चयनित भी हुए। बिल्कुल हाँ, वो इसलिए कि उस बार विशिष्ट परीक्षा नहीं थी, वो कॉमन परीक्षा थी, और कॉमन परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को भी फ्रेशर कैंडिडेट के रूप में ही देखा गया था, लेकिन इस बार उनके लिए वो परीक्षा अलग है और ये परीक्षा अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे सर जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आज बिहार में जो है जातिगत सर्वेक्षण, मतलब जातिगत आर्थिक रिपोर्ट भी और शैक्षणिक रिपोर्ट भी जारी की गई है, तो अगर हम शैक्षणिक रिपोर्ट की बात करें तो एक आंकड़े ने सभी को चौंका दिया है। साफ साफ हमने देखा कि बिहार में सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है। आपको बताऊं कि 2006 तक आप जाइए तो ये प्रतिशत 3-5 था, तीन से पाँच के बीच में था। ये प्रतिशत इसलिए बढ़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो प्रोत्साहन योजना शुरू हुई कि इंटर पास को 15,000 रुपया, जो 25,000 रुपया हो गए हैं लड़कियों को, अविवाहित लड़कियों को, और जो ग्रेजुएट पास करेंगी उनको पहले 25 था, अब 50,000 रुपये। एक तो ये रहा बढ़ने का रीजन कि लड़कियाँ तेज़ी से आई। दूसरा रीजन ये रहा कि नाइन्थ के बाद जो नाइन्थ के पहले जो बच्चियां छोड़ देती थी, ड्रॉप आउट करती थी, तो अब साइकिल से वो ड्रॉप आउट उनका खत्म हो गया है। जो गरीब फैमिली की लड़कियां थी वो तीसरी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी कपड़ों की वजह से, तो उनको पोशाक 2006 से मिल रहा है, तो वो लड़कियां अब सीधे ऊपर तक आ रही हैं। तो ये जो जो बढ़ा है, ये उच्च शिक्षा का जो सकल राष्ट्रीय सकल अनुपात है बिहार में, सकल अनुपात वो बढ़ा है, इन वजहों से बढ़ा है, और वो और 2035 तक इसको 50% पर ले जाने की योजना है, 50% पर ले जाने की योजना है। जब 3% से हम 7% पर आ सकते हैं इतने 15 वर्षों में, तो इधर ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और अब अभी जो स्थिति आप देखिएगा मैट्रिक में, आपको मुमकिन लग रहा है? मुमकिन 50% नहीं अचीव करेंगे, 35 तो अचीव करेंगे ना, और 35 अचीव करेंगे तो 35 अचीव होना भी बड़ी बात है। और ये इसलिए भी हम अचीव कर रहे हैं कि महिला की प्राइमरी टीचर्स की अपॉइंटमेंट में महिलाओं का 50% रिजर्वेशन है, आपको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में 35% रिजर्वेशन है, सिपाहियों की बहाली में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है। तो ये इंटर का जो इंटर क्वालिफिकेशन का जो लेवल लगा है उसके चलते ये इसका ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ जा रहा है, और अब ये रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। ये तो सीएम नीतीश कुमार को नौकरी बाबू भी कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्राफ बढ़ेगा, ये ग्राफ बढ़ेगा, और इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही है कि ये ग्राफ कैसे बढ़ेगा, उस दिशा में काम चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि जितने भी सब डिविजनल हेडक्वार्टर थे बिहार में, 24 ऐसे सब डिविजन थे जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थे, उन कॉलेजों में डिग्री कॉलेज दिए गए हैं, डिग्री कॉलेज फंक्शनल हो गए हैं। तो अब तो ये हो गई ना कि टोले में प्राइमरी स्कूल, ठीक है ना, टोले में मिडिल स्कूल, पंचायत में प्लस टू तक की पढ़ाई, और अपने अनुमंडल में ही आपको ग्रेजुएट बनने के लिए सारी सुविधाएं हैं। तो इसीलिए अब ये बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, क्योंकि अब पढ़ने के लिए आपको अपने
अनुमंडल से बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है, तो ये बढ़ेगा, ये ग्राफ थमने वाला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये ग्राफ बढ़ेगा, ये गलत ग्राफ बढ़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे सजल जी, देखिए साफ साफ बता दिया है कि ग्राफ बढ़ने वाला है और नियोजित शिक्षकों को भी लेकर बड़ी बात कह दी है, साफ कहा है कि नियोजित शिक्षक परीक्षा के लिए कमर कस ले, क्योंकि परीक्षा तो होने वाली है और परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।